समापन। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि आपने इस काव्य गोष्ठी का भरपूर आनंद यहां पर लिया होगा। अब मैं सविनय आग्रह करूंगा आध्यात्मिक गुरु चेतनीसन पंडित मनमोहन प्रसाद जी मुजगल से कि आप यहां पर उपस्थित समस्त कवियों के लिए एवं वास्तविक श्रोताओं के लिए आशीर्वाद प्रदान करने का कष्ट करें। उपस्थित अंकों में सीमित पंत में अंक में भरे हुए उन विचार और उद्गार और उल्लास के साथ जो यहाँ बैठे हैं, ऐसा लगता है कि चिल्लू में समुद्र आ गया है, चिल्लू में समुद्र भरा है। मैं आदरणीय व्यास जी को साधुवाद देता हूँ कि जहाँ उनने भागवत सुधारने के लिए व्यास जी के द्वारा भागवत सुनवाई जा रही है, भागवत सुनने से भागवत सुधरती है। जिसको भागवत यानी आने वाला समय सुधारना है वो भागवत अवश्य सुने, ये भागवत का विशेष प्रमाण है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो उन्होंने ये भागवत कार्यक्रम रखा महापुराण का, और आज स्थानीय कवियों की वाणी से वो तरंग तरंगित हुई है, जिसका रंग कौन सा कहें ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। शतरंगों से भी बढ़ के ज़्यादा रंग आज इस छोटे से कार्यक्रम में अनुभूत मैंने किया। तो मुझसे कविता बहुत दूर है, तो मैंने कभी 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 हृदय मेरे को माने ही नहीं है, कविता मेरे में समाने की चेष्टा नहीं की। जो भी हुआ हो या प्रारब्ध का कुछ दुर्गण है या कोई प्रारब्ध का संताप है जिसके कारण कविता मेरी मुखारविंद पे नहीं आई, मगर आदरणीय सहारिया जी नारायण भाई जो वहाँ से चल के यहाँ आए और मुझे हृदय में स्थान देते हैं, और आप सब जो मेरे अनुज हैं जो मुझसे अग्रज हैं, इन सबको मैं साधुवाद देता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ, कविता और सविता में कितना अंतर है। सविता सूर्य को कहा जाता है, सविता सूर्य को कहा जाता है, कविता साहित्य को कहा जाता है। यानी साहित्य की वो विधा, सूर्य उगता है और डूब जाता है, परंतु कविता एक बार कवि के हृदय में उत्पन्न भर हो जाए, कवि रूपी दिया टूट जाए फूट जाए संसार से चला जाए, मैं उसकी कविता की ज्योति सदैव सदैव के लिए लहराती है। इसलिए मेरे हृदय में सूर से ज्यादा सम्मान यदि कहीं है इन कवियों का। इन कवियों ने जो अपनी विधा को, अपने हृदय के विचारों को, उद्गारों को अपने वाणी के द्वारा आपको हमको प्रदान किए और समेट कर लिखने के द्वारा लिपिबद्ध करके हमें प्रदान करते हैं, वो एक महान कार्य है। शायद सूर्य वो ना कर पाए हो जो कवि करते हैं। आदि कवि हुए वाल्मीकि आदि कवि हुए, उसके बाद तुलसीदास जी, सूर वो नहीं है, परंतु जब भी कोई वक्ता मंच पर अपने वक्तव्य को प्रदान करता है, संस्कृत कृष्ट है, संस्कृत भाषा के ग्रंथों का पठन पाठन करना कृष्ट है, जो जानते हैं वो समझते हैं, परंतु उस संस्कृत भाषा की कृष्णता में यदि वक्ता रामायण की चौपाई है, सूर्य के दोहे तुलसी की चौपाई है देते हैं, मीरा की कविता उसके भाव देते हैं, तो वह एक संस्कृत की विधा हमें ऐसी लगती है कि हमें संस्कृत भी ज्ञान में आ गई है। इसलिए कविता जैसी महान लेखनी, महान विधि जो प्राप्त हुई है आप सबको, वो प्रारंभ से ही मिलती है, पढ़ने और पढ़ाने से नहीं मिलती। बहुत सोने पढ़ा है, बहुत सोने पढ़ाया है, परंतु न वो कुछ पाए है न कुछ पाने के लायक छोड़ा है, मगर आपने जो आज यहाँ दिया, मैं पुनः आप सबको साधुवाद देता हूँ। मैं रहूँ न रहूँ, मेरे विषय में मैं कहना चाहूँगा, मैं न महाराज हूँ, न संत हूँ, न महंत हूँ, न फकीर हूँ, न पीर हूँ, न बलि हूँ, मैं केवल एक साधारण सा इस मानव शरीर को लेकर सुहागपुर की गली गली में घूमने वाला एक साधारण सा प्राणी हूँ, जैसे आप लोगों ने न जाने किस कारण अपने हृदय में बिठाकर एक
ऐसी अनुभूति प्रदान कर दी, यदि उसको बार बार मैं कान में श्रवण करूंगा तो शायद मुझे अहंकार आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कीर्ति का गान आप लोगों के मुखारविंद से मेरे कर्ण रंग में ना जाए, ताकि इस गली का सम्मान मेरे द्वारा बना रहे। बस इतना मैं चाहता हूँ। चंबु चंबु चंबु, आप सबको साधुवाद। अब आगवा सुधारने के लिए किए जा रहे भागवत आयोजन के मुख्य सूत्रधार आदरणीय पंडित प्रेम नारायण जी व्यास से मैं आग्रह करूँगा कि आप हमारे आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं पंडित मनमोहन जी भुजगल महाराज, मेरे कथावाचक व्यास जी एवं सहारिया जी, श्रीवास्तव जी, शरद व्यास और मेरे सभी छोटे छोटे पुत्रवत जितने भी बालक हैं सभी को मैं आभार प्रदर्शन करता हूं कि आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और ऐसा मैं चाहता हूं कि हमेशा छोटे मोटे कार्यक्रम के लिए आप सहजता से आ जाएं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। शंभु शंभु शंभु। इस प्रकार एक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल श्री शंभु दरबार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। वीडियोस लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।